मीडियन में मिड वैल्यू पढ़ लिए हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, कि मिड वैल्यू दिया है उसे क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे और मीडियन कैसे निकालेंगे, पढ़ लिए हैं। चले वेरी गुड, तब तो लमसम खत्म हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, लेस देन मोर देन, है ना। इंक्लूसिव तो हो ही गया है, यानी कि पढ़ना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब होता है कि डेटा मोर देन और लेस देन के केस में देता है, डेटा किस में देता है, मोर देन और लेस देन के केस में देता है। तो यहाँ एक बुक का क्वेश्चन है हमारा कि डेटा दिया हुआ है लेस देन में, तो लेस देन में देता कैसे है, तो मार्क्स लिखा होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा होता है। ओके, तो मार्क्स दिया हुआ है लेस देन 10, सॉरी लेस देन 80, तो यानी क्या है, इस तरह से लिखें कि लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90, 100। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा देखें पहले, समझते हैं इसको। क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है क्या कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि डेटा लेस देन या मोर देन में, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है लेस देन के केस में, लेस देन के केस में। तो सबसे पहले इसको सिंपल क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं, सबसे पहले जो मार्क्स दिया हुआ है इसको सिंपल क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। ऑलरेडी पढ़ा हुआ था मीन में, लेकिन यहाँ मीडियन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सिंपल क्लास इंटरवल चेंज करते हैं। कैसे, बीच के पैटर्न को देखते हैं, बीच के पैटर्न, ये जो है ना इसको मैग्नीट्यूड तो बोलते ही है, प्लस इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैटर्न, के बीच के पैटर्न को देखते हैं कि बीच का पैटर्न में डिफरेंस कितने के हैं, तो कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल बन जाएगा यहाँ पे सिंपल सा क्लास इंटरवल, लेस देन 10 कर रहा है, पैटर्न 10-10 का कर रहा है, यानी कि 0 से 10। ओके, तो 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80। और फ्रीक्वेंसी निकाल देगा, लेस देन का केस दिया हुआ है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, और नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को, नीचे वाले में से ऊपर, तो पहला सेम रहेगा 5, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, 7, 12, 28, 20, 10 हो गया ना, माइनस 10 कौन कह रहा है, तो 10 हो गया, क्लियर है। अरे भाई पहला 5, 13 में से 5 गया 8, 20 में से 7, और ये 12 सही है, ये कितना 28 सही है, और ये 20 सही है, और ये 90 में से 80 गया 10, 100 में से 90 गया 10, क्लियर है। उसके बाद जब ये हो ही गया तो हाथी लगे सी एफ पी निकाल लो, और सी एफ करोगे तो यही आएगा 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 और 100, यानी कि सही है, 100 आ रहा है, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, बताओ तो करण, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस बोले नहीं आ रहा है, L1 प्लस N by 2 माइनस CF अपॉन F into I, बोलने पहले फॉर्मूला पढ़ने के लिए आदत डालो, L1 प्लस N by 2 माइनस CF अपॉन F into I। सबसे पहले N by 2 निकालते हैं, सबसे पहले N by 2 निकालते हैं, N का मतलब क्या होता है, ऐसा से मैं बताते आ रहा हूँ कि हमेशा मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, आगे भी जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेटा, इंडिविजुअल में, और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में एन का मतलब, याद हुआ कि नहीं,
कि हम पागल हो रहे हैं ये सब बता, ये एन का मतलब बताते बताते। एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ डेटा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस इतना ही तो बात याद कर रहा है, रोज यही बात बोल रहे हैं। इंडिविजुअल में का मतलब नंबर ऑफ डेटा, डिस्क्रीट में का मतलब सम ऑफ, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ। क्लियर है? बोलो तो क्या बोल रहे हैं बार बार करण? मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल में का मतलब नंबर ऑफ डेटा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो आप पूरा लाइन बोलो। हाँ अब रुक जा तुम्हारे टाइम का बोला है, बोले हाँ इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेटा बोले हैं, एन का मतलब, हाँ एन का मतलब, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बोले हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलिए यही बात मैं कहना मानना चाहता था, ठीक है। चलिए तो एन बाई टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सौ बटा टू कितना आएगा, पचास। अब इस पचास को सी एफ में चेक करेंगे, इस पचास को सी एफ में चेक करेंगे, या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, तो एग्जैक्टली उतना नहीं है, जस्ट उससे बड़ा कितना है, साठ। तो इसके क्रॉसपॉन्डेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। इसके क्रॉसपॉन्डेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो यहाँ से पता चलेगा एल वन, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, या सी एफ जस्ट अबव होता है, जस्ट अबव ऑफ द मीडियन क्लास, जस्ट अबव ऑफ द मीडियन क्लास। एल वन कितना है, चालीस, प्लस एन बाई टू का वैल्यू कितना आया, पचास, माइनस सी एफ का वैल्यू बत्तीस, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अट्ठाईस, आई का मतलब डिफरेंस एल टू माइनस एल वन, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल कितना होगा, टेन। चले वेरी गुड, यहाँ आते हैं, चालीस प्लस घटेगा तो कितना होगा, अठारह, एक सौ अस्सी लिख दें, फिर तो गड़बड़े होगा। अच्छा एक सौ अस्सी लिख देते हैं, अट्ठाईस, तो और गड़बड़ हो गया ना, अब एलसीएम ले लोगे, ऊपर नीचे तब कटाओ, यहीं पे शॉर्ट करो, 46.42 एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, समझ में है ना, 6.42 यानी कि मतलब तुम लोग एलसीएम लेके भी बना सकते हो, ठीक है। सीएमए फाउंडेशन बैच में कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसलिए अलाउड होता है कि तुम है ना सारा प्रोसेस नहीं जानते हो, यहाँ करके करी क्या लोगे, समझ में ना, इसलिए अलाउड रहता है, एकेडमिक्स में अलाउड नहीं रहता, ठीक है। लेकिन तुम लोग अगर कैलकुलेशन जाएगा आज एग्जाम में, मिसिंग वाला कल बता दिए थे ना, मिसिंग कल बताए थे ना, जो एग्जामिनेशन पेपर में आया था, जो पेपर वाला क्वेश्चन बनवाया था, जो एग्जाम में आया था, है ना, एक बुक में का कॉल मिसिंग बनवाए थे ना, एक बुक में का मिसिंग बना के दिखाओ जरा। चले देखे कल मैंने नहीं अभी क्वेश्चन बना के दिखा, नहीं क्वेश्चन बनाए, क्लास अब ओवर भी तो होगा, क्वेश्चन बनाए पहले, क्वेश्चन बनाए, कल मैंने इस पे क्वेश्चन बनवाया था, मीडियन का वैल्यू दिया है 23, और ये क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, बना के दिखाओ, मीडियन का वैल्यू ऑलरेडी दिया 23 और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, कल क्वेश्चन बनवाया था ना एक, हाँ तो इसे बना के दिखाए, हाँ 0 से 10 लिखे हैं, पैटर्न देखे भी पता चल जाना चाहिए। जय कार्तिक कितना अंदर आ गया, 14 आया ना, चलो नजदीक है, आते हैं देखो, कल मैंने बताया था, अरे कल मैंने बताया था कि मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, मीडियन बराबर क्या होता है, एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, यही ना जी,
फॉर्मूला है, तो मीडियन तो ऑलरेडी निकला है 23, हमें निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो एज्यूम कर लेंगे क्या एफ, एज्यूम कर लेंगे एफ ही एज्यूम कर लो, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये मीडियन 23 देख के क्या पता चलता है कि ये मिडिल वैल्यू है किसी सीरीज का, किसी सीरीज का तो मिडिल वैल्यू है ये ना है, इसको ले लो मिडिल वैल्यू। और सबसे पहले सी एफ निकाल लो, सबसे पहले सी एफ निकाल लो, 5 और 10 15 प्लस एफ और 21 प्लस एफ, 21 3 24 प्लस एफ, तो हाई कितना आया 24 प्लस एफ आया, 24 प्लस एफ आया। अब जरा समझो, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, L1 तो कितना हो जाएगा, मीडियन का वैल्यू कितना दिया है 23, L1 का वैल्यू बोलो, L1 क्या हो जाएगा, हाँ ये ना L1 होगा, F ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, क्लियर, एबव वाला होता है मीडियन का, कितना हो जाएगा L1 20, अब प्लस N बाई 2 का वैल्यू कितना है, ये तो N का वैल्यू है ना 24 प्लस F, N का वैल्यू, N बाई 2 का वैल्यू नहीं है, N का वैल्यू है, तो N का वैल्यू कितना है 24 प्लस एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ का वैल्यू 15 है ना, डिवाइडेड बाई एफ इंटू 10 एल टू माइनस एल वन, अब इसको सिंप्लीफाई है 20 को होने भेज दो 23 माइनस 20 इज इक्वल टू, अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना 2, एलसीएम कितना 2, तो वैसे ही उतर जाएगा 24 प्लस एफ अब 15 दुना 30 कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 अपॉन एफ, 10 ऊपर चला जाता है अपने आप, ठीक है ध्यान रहे। अब क्या होगा 25 जा 10 यहाँ कटा दो, 25 जा 10 समझ में आ रहा है, 25 जा 10 कट गया, आई घटा तो कितना आया 3 इज इक्वल टू आई कितना होगा 30 में से 24 गया एफ माइनस 6 इंटू 5 इंटू 5 है मल्टीप्लाई करेगा ना अब उसमें बटा एफ, कोई दिक्कत आई एफ उधर क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 3F हो जाएगा इज इक्वल टू 5F माइनस 30, तो ये 30 अब उधर चला जाएगा 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5F माइनस 3F है ना, तो 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2F, तो F बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 2 कितना आएगा, 9वां 10वां में पढ़े हो तुम लोग पढ़ के